कक्षा 10 पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? उत्तर, मैग्नीशियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपनी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली परत बना देती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को रोकती है, इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन से इस परत को हटाया जाता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। नंबर 1, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे इसका समीकरण है H2 हाइड्रोजन H2 क्लोरीन के लिए Cl2 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। दूसरा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे दूसरा 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। तीसरा सोडियम प्लस जल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन सोडियम जल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। प्रश्न 3, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। नंबर 1, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा आघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। यहाँ पे इसका रिएक्शन BaCl2 प्लस Na2SO4 बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट बनता है। बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O। पेज 6B का प्रश्न है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है? पहला, पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। ऊपर 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। उत्तर, पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है और इसका सूत्र CaO है। दूसरा, ऊपर में लिखे पदार्थ X के जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी जल, इसकी क्रिया बनता है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह है बिना बुझा चूना और CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना है। प्रश्न 2, क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। उत्तर, जल में दो भाग हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, इसलिए जल के विद्युत अपघटन के दौरान एक प्रणाली में एकत्रित गैस हाइड्रोजन की मात्रा दूसरे प्रणाली उत्पादित गैस ऑक्सीजन की मात्रा से दोगुनी है। प्रणाली में एकत्रित गैस हाइड्रोजन है। पेज 15। प्रश्न 1, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? उत्तर, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तब होगा ऊपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से
विस्थापित कर देता है, जिससे फेरस सल्फेट का निर्माण होता है और ब्लेन का रंग बदल जाता है। रिएक्शन Fe आयरन प्लस CuSO4 कापर सल्फेट बनता है। यहाँ पे फेरस सल्फेट और कापर विस्थापित हो जाता है। प्रश्न एक, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्यू विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। रिएक्शन 2KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस BaI2 बेरियम आयोडाइड इक्वल टू पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। उपचयित का मतलब आक्सीकृत, अपचयित इसमें पहचान करना है। 4Na प्लस O2 इक्वल टू 2Na2O। यहाँ पे सोडियम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका उपचयन या ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इस रिएक्शन में ऑक्सीकरण हो रहा है। CuO प्लस H2, यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ है, तथा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। अभ्यास प्रश्न, प्रश्न एक, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। रिएक्शन है 2BO प्लस C इक्वल टू 2PB प्लस CO2। पहला, सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित, कार्बन उपचयित हो रहा है। डी, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। यहाँ पे सही है उत्तर पहला, ए वाला और बी वाला सत्य है, क्योंकि यहाँ पे सीसा अपचयित हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसमें, और यहाँ पे कार्बन का डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। यहाँ इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ रहा है, तो इसमें यहाँ पे उपचयित हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें, अर्थात अपचयित हो रहा है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न 2, Fe2O3 प्लस टू ए एल इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, द्यू विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे द्यू विस्थापन अभिक्रिया लिखा है, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया Fe2O2 Al। यहाँ पे जो Fe2O3 है, एल्युमिनियम के साथ Fe विस्थापित हो रहा है। यहाँ पे एल्युमिनियम Fe को विस्थापित कर रहा है, यहाँ पे Fe विस्थापित हो रहा है, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया है। प्रश्न 3, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। यहाँ पे सही है पहला, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होएगा और आयरन क्लोराइड बनता है। यहाँ पे HCl और Fe की रिएक्शन में Fe क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा और H बाहर हो जाएगा, ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया है। प्रश्न 4, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें उत्पाद और अभिकारक में परमाणु संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। यहाँ पे परिभाषा उत्तर
जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम भंग ना हो, इसके लिए समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। यहाँ पे प्रश्न पाँच में जैसे आप देखें 3H2+N2=2NH3 एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि 3 × 6 6 हाइड्रोजन इधर अभिकारक में है और यहाँ पे 2 × 3 6 उत्पाद में भी हाइड्रोजन 6 हैं, नाइट्रोजन 2 हैं और उत्पाद में नाइट्रोजन 2 हैं, इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगला प्रश्न 5 है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बनाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके बनाता है अमोनिया, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तो ये है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको जलाया जाए, हाइड्रोजन सल्फाइड को जलाया जाता है, तब बनता है जल और सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है या देता है। यहाँ पे इसका समीकरण 3BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस L2SO4 का होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट है, = AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड BaSO4 बेरियम सल्फेट। यहाँ पे इसे हम कह सकते हैं ये जो रिएक्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि Ba जो बेरियम है सल्फेट के साथ आ जाता है और जो एल्युमिनियम है क्लोराइड क्लोरीन के साथ आ जाता है, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया है और ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। डी, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। पोटेशियम धातु जल के साथ रिएक्शन करके बनाता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH क्या है? क्षार है और यहाँ पे हाइड्रोजन विस्थापित हो जाती है। ये भी एक जो है विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, विस्थापित हो जाता है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया है। प्रश्न 6, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। संतुलित का मतलब अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं को बराबर करना है। इसमें यहाँ पे HNO3+CaOH का होल ट्वाइस = CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। यहाँ पे जो परमाणु हैं उत्पाद और अभिकारक में, ये उत्पाद है और ये अभिकारक है, इसमें जो है परमाणु की संख्या बराबर नहीं है उत्पाद और अभिकारक में, तो इसको बराबर करना है। यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, टोटल 3 हाइड्रोजन इधर हैं, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो H2O में केवल यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे इसमें इस यौगिक में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर 2 हाइड्रोजन और इधर 1 और 2 1 3 हाइड्रोजन इधर हैं अभिकारक में, उत्पाद में 2, तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, तो इसको हमें संतुलित करना है। कैल्शियम यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 है, कैल्शियम इधर 1 है, तो ये तो है सही, बराबर है। ऑक्सीजन देखा जाए तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, 3 × 2 5 ऑक्सीजन अभिकारक में, और यहाँ पे 3 × 6 ऑक्सीजन इधर और 1 7, अर्थात ये संतुलित नहीं है, तो इसको हमें संतुलित करना है। तो इसके लिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया जाए, 2HNO3 लिखा जाए, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसमें हुए और 2 हाइड्रोजन इसमें हुए, 2 × 2 = 4 और इधर ओ 2 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 × 2 = 4, इधर 4 हाइड्रोजन बराबर हुए इसमें। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको ज्यों का त्यों लिख देना है, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3
कहोल्टोसिस में कुछ नहीं करना है, ही लिख देना है, बस यहाँ पे आगे दो लिखना है, संतुलित हो जाएगा। यहाँ पे तीन दूनी छः हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे दो, छः दो आठ हाइड्रोजन, ओ सॉरी ऑक्सीजन, आठ तीन दूनी छः ऑक्सीजन इसमें और दो ऑक्सीजन यहाँ पे, छः दो ऑक्सीजन इसमें अभिकारक में टोटल में, और यहाँ पे तीन दूनी छः इसमें और यहाँ पे दो, छः और दो आठ, यानी ऑक्सीजन बराबर, कैल्शियम इधर एक, कैल्शियम एक, नाइट्रोजन इधर दो, नाइट्रोजन इधर यहाँ पे दो, अर्थात यह संतुलित समीकरण है। अब यहाँ पे दूसरा NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O, नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट प्लस जल, इसको संतुलित करना है। क्यों संतुलित है या नहीं है देखेंगे। Na यानी सोडियम एक है इसमें, यहाँ पे Na दो हैं, Na2 दो हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे एक, ऑक्सीजन यहाँ पे चार, टोटल ऑक्सीजन अभिकारक में पाँच, यहाँ पे देखा जाए तो चार और एक पाँच, यहाँ पे पाँच, तो ऑक्सीजन बराबर है। सल्फर देखा जाए तो सल्फर एक, यहाँ पे सल्फर एक, तो यहाँ पे सोडियम जो है वो डिस्टर्ब में है, इसको संतुलित करना है। तो यहाँ पे NaOH के आगे दो लिख दिया जाए, और यहाँ पे H2SO4, यहाँ पे H2SO4, Na2SO4, 2H2O, यहाँ पे दो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे दो सोडियम इधर हुए, दो सोडियम इधर हो जाएंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन दो, और यहाँ पे हाइड्रोजन इधर दो, दो दो चार हाइड्रोजन इधर, और दो दुना चार हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन इधर एक, ओ सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे दो, और ऑक्सीजन यहाँ पे चार, चार दो छः ऑक्सीजन इधर चार, और यहाँ पे ये वाला जो आगे दो लिखा है ये इसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए भी और हाइड्रोजन के भी लिए। तो यहाँ पे दो और चार दो छः हाइड्रोजन, ओ ऑक्सीजन इधर है। तीसरा NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3, यहाँ पे NaCl, AgNO3, AgCl, NaNO3, यहाँ पे तो संतुलित रासायनिक समीकरण दिया गया है। क्यों? क्योंकि सोडियम इधर एक, सोडियम इधर एक, Cl एक, Cl एक, Ag एक, Ag एक, NO3 आयन एक, NO3 का एक आयन, अर्थात ये संतुलित रासायनिक समीकरण दिया है। अगला है चौथा, BaCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस HCl, यहाँ पे BaCl2 बेरियम एक, इधर बेरियम एक, क्लोरीन एक, सॉरी क्लोरीन दो, और यहाँ पे क्लोरीन एक, यहाँ पे पकड़ में आ गया, तो यहाँ पे HCl के आगे दो तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे दो लिखना पड़ेगा, लिख दिया गया। अब यहाँ पे BaSO4, यहाँ पे बेरियम एक है पहले से, और सल्फेट आयन एक इसमें, सल्फेट एक आयन इसमें भी, तो यहाँ पे आगे दो लिख देना है, बस दो लिख देना है आगे, बस ये जो है संतुलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है सात, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ भी संतुलित हमें करना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और जल H2O, ये है संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब यहाँ पे बी वाला जो है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर, जिंक यानी कि ZN, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 और ZN NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag यानी कि सिल्वर, यह संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। तीसरा यानी सी वाला एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, यहाँ पे एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड CuCl2 कॉपर क्लोराइड 2AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड और यहाँ पे कॉपर, यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एल्युमिनियम दो, और यहाँ पे 2 एल्युमिनियम दो, कॉपर तीन संतुलित, और तीन दुनी छः क्लोरीन, और दो तियाँ छः क्लोरीन, इधर छः,
संतुलित। बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4, पोटेशियम क्लोराइड KCl। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। यहाँ पे देख सकते हैं आप Ba Cl2 क्लोरीन 2, यहाँ पे Cl, यहाँ पे आगे 2 लिखा है, यहाँ पे Cl 2 Cl, इसमें भी सल्फेट आयन 1, इसमें सल्फेट आयन इसमें 1, यहाँ पे पोटेशियम 2 और यहाँ भी पोटेशियम 2। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। प्रश्न 8 है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं अभिक्रिया का प्रकार बताइए। प्रकार यानी कि कैसी अभिक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है, ये आपको बताना है। पहला ये पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड है, यहाँ पे बेरियम लिखा है, बेरियम आयोडाइड इक्वल टू पोटेशियम आयोडाइड और प्लस बेरियम ब्रोमाइड, यहाँ पे बेटियम की जगह बेरियम है। इसका रिएक्शन देखेंगे आप, पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड, बेरियम या आयोडाइड हुआ, पोटेशियम आयोडाइड बेरियम ब्रोमाइड। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। और कैसा रिएक्शन है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें आयनों की जो है अदला बदली हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये पोटेशियम के साथ आ जाए, यहाँ पे आ रहा है पोटेशियम के साथ ब्रोमीन था और यहाँ पे पोटेशियम के साथ आयोडीन आ गया, और यहाँ पे जो ब्रोमीन था पोटेशियम के साथ वो आ गया यहाँ पे बेरियम के साथ। ये तो ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है और ये संतुलित भी हो गया है, क्योंकि पोटेशियम इसमें दो और यहाँ पर आयोडीन 2 इसमें और इसमें आयोडीन इसमें 2 और ब्रोमीन 2 इसमें और यहाँ पे Br2 यानी ब्रोमीन 2, बेरियम 1। तो ये संतुलित भी है और द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे आयनों में अदला बदली हो गई है। बी वाला जिंक कार्बोनेट, यहाँ पे जो यस लिखा है इसका मतलब सॉलिड यानी कि ठोस है। जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड सॉलिड यानी कि ठोस, कार्बन डाइऑक्साइड जी यानी कि गैस, ये समझना है आपको। जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि जिंक कार्बोनेट एक यौगिक थी, यहाँ पे एक यौगिक थी और यहाँ पे 2 यौगिक हो गए यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वियोजन है यानी टूट गया है, इसमें ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट और ZnO जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वियोजन अभिक्रिया है। सी वाला हाइड्रोजन क्लोरीन, यहाँ पे क्लोटीन जो लिखा है क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2, इधर आगे 2 लिख दिया गया, इसका मतलब हाइड्रोजन 2 है क्लोरीन 2 है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। और ये संयोजन है, संयोजन का मतलब जुड़ने वाली अभिक्रिया, द्विविस्थापन मतलब ये अदला बदली वाला, आयनों का जो है अदला बदली हो जाती है, वियोजन का मतलब टूटना और संयोजन का मतलब जुड़ना, यहाँ पे ये दोनों संयोग कर रहे हैं। अगला डी वाला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जो मैग्नीशियम है एक धातु है, क्या है, धातु, और यहाँ पे HCl अम्ल है, लिक्विड एक्वा, और ये सॉलिड है धातु, मैग्नीशियम धातु ठोस है, तो बनता क्या है इसमें MgCl2, जो मैग्नीशियम है क्लोरीन के साथ आ जाता है और हाइड्रोजन को यहाँ पे विस्थापित कर देता है, यहाँ पे गैस जो है विस्थापित हो जाता है, हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल जाती है। तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि जो मैग्नीशियम है हाइड्रोजन को यहाँ से भगा देता है, MgCl2 हो जाता है, यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण है।
क्योंकि Mg1 क्लोरीन दो हाइड्रोजन दो, ये बात। आगे प्रश्न नौ, उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। एग्जाम में उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर में भी पूछा जाता है, उष्मा छेपी और उष्मा शोषी में अंतर बताइए, एक ऐसे क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो उत्तर, उष्मा छेपी अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। उष्मा छेपी यानी इसको उष्मा छेपी अभिक्रिया है, उष्मा उत्सर्जी अभिक्रिया भी कहते हैं, उष्मा उत्सर्जी, ध्यान रखना। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ यानी कुछ जो बनता है उसके साथ 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 उष्मा भी निकलती है, उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, इसको उत्सर्जी अभिक्रिया, उष्मा उत्सर्जी अभिक्रिया कहते हैं, ध्यान रखना। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे ग्लूकोज है C6H12O6 और यहाँ पे ऑक्सीजन 6O2, यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे 6H2O यानी कि जल, और यहाँ पे ऊर्जा, यहाँ पे ऊर्जा उत्सर्जी होती है यानी कि निकलती है, एक श्वसन का जो है रिएक्शन है ये, जो हमारी कोशिकाओं में होता है। तो ये उष्मा छेपी अभिक्रिया हुई, उष्मा शोषी अभिक्रिया यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि उष्मा इसमें पहले दी जाती है, उसमें रिएक्शन पूर्ण करने के लिए उष्मा दी जाती है, जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस उष्मा, यहाँ पे बनता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 10, उष्मा छेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये वाला जो अभी अपनी अभी जो अभी देखा है आपने, उष्मा छेपी अभिक्रिया, वही क्वेश्चन है सेम। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ उष्मा भी निकलती उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जल और यहाँ पे ऊर्जा। फिर प्रश्न 11, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए, यहाँ पे समीकरण लिखना है भाई। वियोजन, वियोजन का मतलब टूटना, संयोजन, संयोजन का मतलब जुड़ना, वियोजन अलग होना। तो इसमें क्या होता है, कोई जो यौगिक है टूट जाता है दो भागों में, और संयोजन मतलब में संयोजन में दो यौगिक आपस में जुड़ के कोई नया पदार्थ बना लेते हैं, संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पे देखेंगे आप, अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ यानी वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है दो भागों में टूट गया, बन गया यहाँ पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। फिर संयोजन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यहाँ पे मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। CaO प्लस H2O कैल्शियम ऑक्साइड प्लस और जल, यहाँ पे बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो चूना है, चूना में जब पानी डालते हैं तो यहाँ पे बन जाता है बुझा चूना, चूने में जब पानी डालते हैं तो बन जाता है बुझा चूना, ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। प्रश्न 12, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें उष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। उत्तर, यानी जो रिएक्शन ऐसे मतलब समीकरण जिनमें उष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है, यानी उसमें जो है ऊर्जा पहले ही दी जाती है तब वो रिएक्शन होता है। तो उसके एग्जाम्पल ये हैं, क्रमशः हैं CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें जो है उष्मा देने पर तब बनता है ये CaO प्लस CO2, और यहाँ पे AgCl ये प्रकाश के द्वारा जो है वियोजित हो जाता है, जो सिल्वर क्लोराइड है बन जाते हैं यहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं, ये सॉलिड है ये क्लोरीन गैस है, तो ये क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में ये वियोजित हो जाती है, और ये विद्युत अपघटन के द्वारा होता है, कौन, जल, जो जो है जल
विद्युत की उपस्थिति में वियोजित हो जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाती है। प्रश्न 13, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अपक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए। अब भाई विस्थापन में क्या होता है, यहाँ पे कोई जो धातु है शक्तिशाली वो किसी को वहाँ से हटा देता है, जैसे Fe है ये ज़्यादा शक्तिशाली है कापर के तुलना में, तो यहाँ पे कापर सल्फेट जो है यहाँ से आ जाता है, Fe इसके साथ सल्फेट के साथ आ जाता है और कापर विस्थापित हो जाता है। और जो द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें जो है आयनों की जो है अदला बदली हो जाती है यहाँ पे, ये तो अब यहाँ पे रिएक्शन है। वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्वों को उसके यौगिक से अलग कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो कापर सल्फेट प्लस Fe इक्वल टू FeSO4 प्लस कापर, जो Fe है यानी आयरन है, कापर को हटा देता है और यहाँ पर बन जाता है आयरन सल्फेट, कापर अलग हो जाता है। यह है विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिनमें दो यौगिकों के आयन परस्पर विनिमय होकर नए पदार्थ नए यौगिक बनाते हैं या बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये जो सोडियम है यहाँ पे सल्फेट यानी सोडियम सल्फेट, सोडियम के साथ सल्फेट था, अब यहाँ पे देखेंगे आप तो जो सोडियम है क्लोरीन के साथ है, ये बात है। इसमें जो बेरियम क्लोराइड यहाँ पे अभिकारक में बेरियम क्लोराइड के साथ यानी बेरियम क्लोराइड के साथ था अभिकारक में, अब क्या है बेरियम जो है सल्फेट के साथ है उत्पाद में, तो ये क्या है आयनों की जो है अदला बदली हो गई इसमें, तो यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न 14, सिल्वर के शोधन में यानी शुद्ध करने में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कापर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। अब यह जो है सिल्वर शोधन है में जो है कापर क्यों उपयोग में लाया जाता है और जो रिएक्शन होती है उसको यहाँ पे हमें लिखना है। तो सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे जो सिल्वर नाइट्रेट है सिल्वर का यौगिक है एक, और तो यहाँ पे कापर है, इससे होता क्या है कापर नाइट्रेट बनता है और Ag यहाँ पे बाहर हो जाता है, तो यहाँ पे सिल्वर निकल जाता है। प्रश्न 15, अवक्षेपण अभिक्रिया, अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं उदाहरण देकर समझाइए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण, अविलेय यानी न घुले वाला, घुलेना लवण प्राप्त होता है, लवण यानी नमक, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे रिएक्शन Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे इक्वल टू है और प्लस 2NaCl यहाँ पे प्लस की जगह इक्वल टू है तीर का निशान, तो Na2CO3 यहाँ पे बन गया NaCl, यानी कि यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट है, तो यहाँ भी आयनों की जो है अदला बदली हुई है और यहाँ पे अविलेय लवण जो प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अब कहते हैं, यानी ये वाला जो NaCl है ये क्या है अवक्षेपण, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया है। प्रश्न 16, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए दो दो उदाहरण दीजिए। उपचयन, उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं और अपचयन। उत्तर, उपचयन यानी ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो कमी हो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या फिर दूसरा रिएक्शन या किसी यौगिक से हाइड्रोजन निकल जाए तो वहाँ भी ऑक्सीकरण होगा। अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन में वृद्धि हो, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ पे ह्रास हो और उसे हम कहेंगे
अपचयन अपक्रिया, यहाँ पे CuO प्लस O2, यहाँ पे Cu प्लस H2O, यहाँ पे जो Cu के साथ ऑक्सीजन था तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे ह्रास हुआ, कमी हुई कॉपर के साथ, ऐसा हुआ है भाई। तो यहाँ पे क्या है, अपचयन अपक्रिया है। यहाँ पे ये वाला जो है यौगिक है थोड़ा गलत लिखा है, प्रश्न 17। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। भूरे रंग का तत्व एक्स कापर है, कापर को गर्म करने पर उस पर कापर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। एक्स का जो रिएक्शन है कापर और प्लस 2Cu प्लस O2 2CuO। प्रश्न 18। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? हाँ भाई बताओ क्यों पेंट करते हैं, पता हो भाई? उत्तर, हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट इसलिए करते हैं ताकि लोहे की सतह का वायुमंडल की गैसों और नमी के साथ संपर्क टूट जाए, जिससे कि उस पर जंग नहीं लगता और उसमें लंबे समय तक उपयोगी बनी रहती हैं। प्रश्न 19। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? उत्तर, नाइट्रोजन अक्रियशील गैस है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों का उपचयन न हो सके इसके लिए उन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। प्रश्न 20। निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संचारण और विकृत गंधिता। संचारण मतलब जंग लगना, जैसे लोहे पे जंग लगना संचारण है। विकृत गंधिता, कोई खाना वाना है खराब हो जाए तो उसे कहते हैं विकृत गंधिता। यहाँ पे देखेंगे आप संचारण, जब कोई धातु वायुमंडल के संपर्क में आती है तो वायुमंडल में उपस्थित नमी या ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके अवांछित पदार्थ जैसे ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट आदि में परिवर्तित हो जाती है। धातुओं का अवांछित यौगिकों में परिवर्तन को ही संचारण कहते हैं। बी, विकृति गंधिता। जब किसी तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ के स्वाद एवं गंध में उपचयित होकर परिवर्तन आता है तो यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। कक्षा 10 पाठ 1।